सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य शास्त्र, वेद, नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्री रणवीर केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य सेवानिवृत्त प्राचार्य जी और वर्तमान में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के निर्देशक सचंडी महायज्ञ के आचार्य प्रातः सम्माननीय परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से कि वह आज सप्तमी के सप्तम नवरात्र के अवसर पर जो है भक्तों को माँ भगवती का जो सातवा रूप है काल रात्रि का उसका महत्व बतलाते हुए अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्तों को लाभान्वित करें। परम श्रद्धा परम पूज्य गुरु जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। सम्माननीय यज्ञ के प्रधान यजमान यहाँ के प्रशासक श्री SGM साहब श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण सभी विद्वज्जन भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन वासंतिक नवरात्रों के अवसर पर सप्तम नवरात्र में आपका इस सिद्धपीठ पर वैष्णवी माता के दरबार में अभिनंदन आपका स्वागत। जैसे कि आपने सुना कि आज माँ भगवती के जो नौ रूप हैं उनमें आज काल रात्रि का दर्शन कर रहे हैं। काल रात्रि इसका नाम क्यों है? क्योंकि घने अंधकार की तरह इनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और श्वास प्रश्वास से बिजली की किरणें जैसे विकिरण निकलते रहते हैं। ब्रह्मांड के समान इनके तीन नेत्र हैं और उन नेत्रों से भी चमकीली किरणें जो है वो निकलती रहती हैं। यद्यपि देखने में इनका स्वरूप भयंकर दिखाई देता है लेकिन भक्तों को ये अभय मुद्रा में रह करके वरदान देती हैं और इसीलिए इनका नाम एक शुभंकरी है जो कल्याण करने वाली है। इन भगवती की आराधना सप्तम नवरात्र में जब की जाती है और जो भक्तजन लगातार निरंतर इसकी उपासना में तल्लीन है वे आज के दिन अपने मन की अवस्थिति सहस्रार चक्र में करते हैं। आज्ञा चक्र यहां तक हो चुका था, अब ये सहस्रार चक्र यहां पर इसकी स्थिति होती है और इस चक्र में जब उपासक जो है वो इस उपासना करता है इस चक्र में उनके मन की अवस्थिति होती है तो संसार की कई प्रकार की सिद्धियां जो हैं उनके मार्ग जो हैं वो खुलने लग पड़ते हैं। इनके दर्शन से इनकी उपासना से रोग शोक कलह भय व्याधियां दूर होती हैं और भूत प्रेत पिशाच राक्षसी बाधाएं जो हैं वो भी सारी दूर होती हैं। सब प्रकार के अरिष्टों को दूर करने के लिए अपने
वैसे तो किसी को शत्रु समझना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई किसी प्रकार का हो तो इसी के आगे मस्तक भी निभाना चाहिए कि उनका विरोध जो है वो समाप्त हो जाए। जिस समय देवताओं को बड़ा पीड़ित किया था राक्षसों ने, युद्ध लगाया था, उस समय देवता भगवती माँ को कहने लगे कि दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्ति रिपवोऽपि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि देवि साध्वी। हे माँ, हे जगज्जननी जगदम्बा भीष्मी माँ, आप एक एक करके इन राक्षसों को क्यों मार रही हो? आप केवल हुंकार मात्र से ही सारे राक्षसों को समाप्त कर सकती हैं। आप में बहुत बड़ा है, आप अलंघ वीर्य हैं, और एक ही हुंकारे नेवताम भस्म, इस प्रकार से ऐसे कह करके आप सब प्रकार के राक्षसों को क्यों समाप्त नहीं कर देती? दृष्टि विकिन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वान सुरान अरिषु यत् प्रहिनोषि शस्त्रम। आप उन पर शस्त्र क्यों नहीं चला रहे, शस्त्र क्यों चला रहे हैं? क्यों कि लोकान प्रयान्तो रिपपोऽपि शस्त्रभूता, ये शत्रु जो हैं शस्त्र के द्वारा पवित्र होकर के ये अपने अच्छे लोक को जाएं, स्वर्ग लोक को जाएं, परम धाम को जाएं। आप इन राक्षसों के प्रति भी, दुष्टों के प्रति भी इतना अच्छा सोचती हो, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध में यदि शस्त्र के द्वारा किसी की मृत्यु होती है, युद्ध में जिसकी मृत्यु होती है वो परम धाम को प्राप्त होते हैं, परम सुख को प्राप्त करती हैं उनकी आत्माएं। इसलिए हे माँ, आप इनके लिए भी इतना अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को कष्ट भी दे रहे हैं ये राक्षस, लेकिन आप इनको एक एक कर को शस्त्र से मार रहे हैं। आपका यही मतलब है कि ये जो शस्त्र से मरेंगे तो ये सभी लोग जो हैं वो परम लोक को प्राप्त होंगे। ऐसी भगवती का यह हृदय अपने उन लोगों के प्रति भी जो परेशान करते हैं उनके प्रति भी इतना सरल हृदय है। आप जिस जगह पर बैठे हैं ये भगवती का दरबार, और ये तीनों देवियां पूरे विश्व को एक उन्नति की ओर आगे ले जा रही हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर रही हैं। और ये जो क्षेत्र है हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ये देवी बाहुल्य स्थान है, यहाँ पर शक्तियों की बहुत अधिकता है। आप जानते होंगे कि जम्मू में बाहु माता, सांबा में चीची माता, सुकराला में सुकराला माता, और रामनगर में चौंतरा माता, पिंगला माता, उसके साथ भद्रवाह में सरथल माता और मचेल माता किश्तवाड़ में, और श्रीनगर में खीर भवानी माता, और जम्मू से लगता हुआ जो हिमाचल प्रदेश है उसमें चिंतपूर्णी माता, नैना माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, कांगड़ा माता, जो सभी देवियां जो हैं भक्तों के सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती हैं। और जिन देवियों के आगे आप बैठे हुए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, सरस्वती से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपके पास बड़ा वैभव आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन ज्ञान को कभी भूलिए मत। अपने संपत्ति का ज्ञान के आधार पर व्यय कीजिए, कहाँ कहाँ वो संपत्ति लगानी है, एक गलत बातों पर, गलत तरीकों से उस संपत्ति का इस्तेमाल मत कीजिए। पैसा आपके पास बहुत आए, भगवती आपके पास देवी जी देगी भी, लेकिन उसका धन का उपयोग जो है वो ठीक प्रकार से, व्यवस्थित प्रकार से होता रहे। सरस्वती माँ जी हैं यहाँ पर, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, जितना भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो सरस्वती का जितना भी स्वरूप है, इस सरस्वती के स्वरूप से वो अपने मनोभिलाषित कामनाएं पूर्ण करें। सरस्वती हंस के ऊपर बैठी हुई हैं, हंस वाहिनी हैं, इनके हाथ में वीणा है, माला इनके हाथ में है, पुस्तक इनके हाथ में है, ज्ञान का सब प्रकार का स्रोत इनके पास है। वीणा संगीत की अधिष्ठात्री देवी है, जितने भी संगीत के लोग हैं वो इस सरस्वती का आराधना करते हैं।
विद्वान लोग और सब प्रकार की विद्याओं में निपुणता चाहने वाले जो लोग जो हैं वो सरस्वती की आराधना करते हैं। और बीना, बीना का नाम संस्कृत में क्या है? कच्छपी। और कच्छपी किसे कहते हैं? कछुई को। और कछुई क्या करती है? जल से निकल करके रेत के बीच में अपने अंडे दे देती है और जल में चली जाती है, अंडों का ध्यान करती है और उस ध्यान से उसके अंडे पक जाते हैं और वो अपने काम में अपने उस संतान को आगे बढ़ने में सफल हो जाती है। विद्यार्थियों को ज्ञान को प्राप्त करने वाले के लिए ये बीना से संदेश है, सरस्वती की बीना से, कि जिस समय भी आपने कोई ज्ञान प्राप्त करना है, एक तान से हो, एक तान हो करके और एक ध्यान से ध्यान लगा करके उस ज्ञान को प्राप्त करें। यदि ध्यान आगे पीछे विचलित हुआ तो आपके कार्य में वो सिद्धि होना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ध्यान करना, कोई भी काम जो है वो ध्यान से करेंगे, थोड़ा भी आगे पीछे ध्यान जाएगा तो वो काम में गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद हंस वाहिनी है, तो हंस के ऊपर, हंस क्या करता है कि हंस पानी और दूध एक साथ इकट्ठा पड़ा हुआ होगा तो पानी से दूध निकाल लेता है। बहुत सी विद्याएं हैं और विद्या शास्त्र जो है बहुत हैं, वेद बहुत हैं, अन्य अन्य साइंस की किताबें बहुत हैं, उनमें जो निश्चोत भूत सार है, निचोड़ जो है, उस निचोड़ को आप धारण करें और निचोड़ लेकर के आप आगे चलें और स्वयं अपना कार्य भी करें और जिनको वो ज्ञान आपने वितरित करना है उस ज्ञान को भी एक सार रूप में वितरित करें। माला इनके हाथ में है, माला के 108 दाने हैं और 8 और 1 9 है और 9 ही भगवतियां हैं। जिस चीज का आपने ध्यान करना है, जिस चीज को स्मरण करना है, उसको बार बार आप स्मरण करें। माला की तरह जिस प्रकार भगवान को, भगवती को स्मरण करते हैं, इसी प्रकार उन विषयों को बार बार स्मरण करें ताकि वो आपकी बुद्धि गम्य हो जाएं, आपकी बुद्धि में वो चीजें सारी आ जाएं। पुस्तक है तो हमारे कहते हैं कि पुस्तक ही भवति पंडितः, जिसके पास पुस्तकें हैं और पुस्तकों का ज्ञान है वही पंडित होता है। पंडित का मतलब केवल यही नहीं है कि तिलक लगा दी या धोती लगा दी और पंडित हो गए। पंडित का मतलब है किसी भी शास्त्र में निपुणता होना, किसी भी किसी भी विद्या में निपुण होना। कोई भी किसी प्रकार की विद्या को वो जो बहुत ज्यादा जानता है वो पंडित है। गत्यर्थक परिधातु से पंडित शब्द बनता है। और सद असद विवेक विचार शालिनी बुद्धि यस्य स पंडा, जो अच्छे का विचार कर सकता है, बुरे का विचार कर सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको पंडा कहते हैं। तद्वत आचरति इति पंडिता, उसके समान जो आचरण करता है उसको पंडित कहते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है पंडित हो सकता है। और उसके साथ बीच में महालक्ष्मी जी हैं और किनारे पे वहां पर महाकाली जी। आप महालक्ष्मी से बड़ा वैभव प्राप्त करेंगे, उसकी रक्षा करने के लिए महाकाली से प्रार्थनाएं करेंगे। आपके पास बहुत बड़ा वैभव होगा, उस वैभव को लेने वाले लुभाव से लोग आ जाएंगे। पहले नवरात्र में ही मैंने आपको बतला दिया था कि राजा सुरथ और समाधि वेश की संपत्ति सारी लूट ले गई थी और अपने लोगों ने लूटी। इसलिए भगवती से, महाकाली से ये प्रार्थना करें कि हमारे जो विरोधी हैं और हमारे विभिन्न को जो समाप्त करना चाहते हैं उनको परास्त करें। उसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि माँ धन दो, ऐश्वर्य दो, आयु दो, विद्या दो, संतान की उन्नति दो, सब प्रकार की सुख समृद्धियां दो। इतना होकर के फिर आप भगवती से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन देवियां केवल आप हम सबको नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना ज्ञान भी दे रही हैं, वैभव दे रही हैं और शत्रुओं का नाश भी कर रही हैं। हमें इस अवसर पर विशेष प्रकार से ये विचार करना चाहिए कि हमारे जो श्रद्धा चैनल के जो MD महेंद्र कुमार जी हैं वो भी जहां पर इस प्रकार के सारे कार्य को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए इनको निर्देश देते हैं और उस निर्देश का पालन ये सभी लोग कर रहे हैं। और आपका ज्ञान, हम सबका ज्ञान भगवती माँ की आरती, पुजारी जी की आरती पूरे विश्व में प्रसारित की जा रही है। आप जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, यदि भी हमारे बहुत से देवी देवता हैं, हम सब प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं और ये भी आप ध्यान रखें कि
कुछ लोग कहते हैं कि एक ही देवता रखना चाहिए अपने पूजा रूम में, आप नाना प्रकार के, अपना कल्याण चाहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है अपने पूजा रूम में कई प्रकार के देवताओं की मूर्ति रख सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारा भारतवर्ष पंचदेवोपासक है। पांच देवता कौन है? सूर्य, सूर्य के आधार पर तो पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए सूर्य की उपासना, उसके बाद गणेश की उपासना, विष्णु की उपासना, दुर्गा की उपासना और शिव की उपासना, ये पांच देवता जो हैं हमारे लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं और इनसे अपने वरदान प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं। सभी देवताओं के बीच में उन पांचों में शक्ति जो है वो विद्यमान है और शक्ति उनको सब प्रकार की शक्ति से उत्प्रोत करती है। और जिस जिस प्रांत में भी जिस जिस देवता की अधिक पूजा होती है वहां पर जाकर के वो लोग अपने भक्तजन जो हैं वो सभी आशाएं पूर्ण करते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और उन देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारा भारतवर्ष कोई सामान्य भारतवर्ष सामान्य देश नहीं है, ये देवी देवताओं का देश है, ये अवतारों का देश है, ये फकीरों का देश है, ये शंकराचार्यों का देश है, ये साधु महात्माओं का देश है, ये अखाड़ों के प्रसिद्ध लोगों का देश है। इस देश में किसी प्रकार की भी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, पीर पैगंबरों का देश है, यहां पर सब प्रकार की सुख समृद्धियां सब प्रकार की शक्तियां हमारे पास हैं। श्राइन बोर्ड आप सबके और विश्व के आने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए अहर्निश प्रयत्नशील है, प्रयासशील है। हमारे राज्यपाल सम्माननीय आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक जी, उनका पूरा एक श्राइन बोर्ड और उसके उनके द्वारा प्रेरित और आदिष्ट हमारे सिमरनजीत सिंह जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वे हैं और श्राइन बोर्ड के सभी मेंबर अहर्निश दिन रात आपकी सुविधा के लिए, यात्रा की सुविधा के लिए, दर्शनों की सुविधा के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासशील हैं और दिन रात इस कार्य को और ज्यादा उन्नत बनाने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े समय के बाद अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होगी, उसके लिए भी अब ये यात्रा ठीक प्रकार से सुचारू रूप से संपन्न हो और हम सभी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए भगवती माँ से प्रार्थना करें, स्वामी अमरनाथ जी से प्रार्थना करें और इधर से लेकर के अमरनाथ तक जाने वाला जितना रास्ता है उस रास्ते में आने वाले जितने भी लोग हैं किसी भी वर्ग विशेष के लोग हों उस यात्रा में सहयोग करें और उस यात्रा को ठीक प्रकार से संपूर्ण बनाने में मदद करें और यदि किसी प्रकार के अरिष्ट हों उन अरिष्टों को दूर करने का प्रयास करें। ये पंचदेवोपासक उनमें शंकर भगवान भी हैं और ऐसे शंकर भगवान जो संसार का कल्याण ही करने वाले हैं। हमारे धर्म और आस्थाएं अपने आप में विशेष होती हैं, जिस धर्म में आस्था नहीं है वो धर्म धर्म नहीं कहलाता, जिस नाग में मणि नहीं होती वो नाग निस्सार होता है, जिस आग में जलाने की शक्ति नहीं होती वो आग निस्सार होती है, जिस धर्म में भावना नहीं होती वो भावना वो धर्म जो है वो निस्सार है। उस परमात्मा के साथ साजुज्य करने के लिए वो हमसे दूर नहीं है, हम नारायण हैं, हम नर हैं, वो क्या है? नारायण है। हम नर हैं तो वो नारायण है, हम योगी हैं वो क्या है? महायोगी है। हम आत्माएं हैं वो महात्माएं हैं, हम जनता है वो क्या है? जनार्दन है। उसका और अपना देखिए कितना समानता हमारी है, हम आत्मा है और वो महात्मा है। ये उस तत्व के तक पहुंचने के लिए उससे अपने आप को हम कभी भी भिन्न न समझें, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति विशेष होगा किसी ना किसी तत्व को वो मानता होगा और वो तत्व उससे भिन्न नहीं है। ये केवल वहां पर रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी भावना से आप भगवती का ध्यान करें, भावना से ही सब कुछ होता है, भवानी भावना आगम्य, भवानी भावना से ही प्राप्त हो सकती है और भावनाएं आपकी सुदृढ़ हैं, व्यवस्थित हैं, आपके पास सब कुछ होगा। मैं अधिक नहीं कहता हुआ इस शुभ अवसर पर
मैं आपसे कहूंगा कि पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं, इस आरती में आप आनंद लेंगे और अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। इसके साथ साथ पूरे विश्व के जितने लोग हैं वो प्रसन्न रहें, सुखी रहें, रोग से रहित रहें और हम सबका आपस में मैत्री संवर्धन हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक वैदिक मंत्र के माध्यम से मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, जिस मंत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लिए वेद के मंत्र से शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र में आशीर्वाद और उनकी उन्नति के लिए कामनाएं की गई हैं। मंत्र है ओम यथे मा वाचं कल्याणी मा वदाणी यणेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्यागम शूद्राचार्या स्वाचारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूज समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादो नमतु। आयुष्मान् भव, पुत्रवान् भव, श्रीमान् यशस्वी भव, प्रज्ञावान् भव, भूरिभूतिकरणै दानैकनिष्ठो भव, तेयस्वी भव, बैरिदर्पदलने व्यापारदक्षो भव, श्रीशम्भुर्भव पादपूजनरतः सर्वोपकारी भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपके द्वारा जयकारा लगाऊंगा और पुजारी जी यहां पर खड़े हैं, इस पुजारी जी की आरती का दिव्य आनंद प्राप्त करिए। बोल सच्चा ज्योता वाली। धन्यवाद। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण।
सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।